बस मैं फैसल भाई के लिए स्ट्रॉबेरी की प्लेट बना के ले आया हूँ, तो नमक भी लगाया है। ये लो फैसल भाई खाओ, ये देखिए मैं लाल दो का देता हूँ स्ट्रॉबेरी को, दरमियान में का देता हूँ। खाओ फैसल, देखो मजे किया, खाओ खाओ ना, मजे किया है। अब ये खुद उठा के खाता जाएगा। खाओ खाओ, उठा के खाओ। क्या है आज मूड सही नहीं है खाने का? खाओ वरना समीना बाजी को दे दूंगा सारी। चलो मैं लेके जा रहा हूँ, अब देखें ये पकड़ेगा, ये देख कर पकड़ेगा। चलो खाओ, अब ये खा रहा है, देखे माशाल्लाह। चलो दे खाओ खाओ, मैं जा रहा हूँ, खाओ। बस समीना बाजी इधर बैठी हैं, तो समीना बाजी के लिए भी मैं बना आया हूँ, नमक लगा। समीना बाजी क्या हाल है, क्या हाल है समीना बाजी? अच्छा, कल आधिया में रोजा रखसा देवाल है? रोजा नहीं बे रखा, आधिया में रोजा रखसा है समीना बाजी? मैं के बाद रोजा नहीं बे रखा, जवाब नहीं दें दी। तो भी बस देखें, अब ये जवाब भी नहीं दे अभी। चलो खाओ खाओ, ये पूरी खानी है आपने। तो भी बस देखें, इधर जो है ना भाभी भी अब आ गई हैं, तो बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है। तो देखें, ये हम गोश्त ले आए हैं, तो शापर में से गोश्त निकाले हुए, तो फिर इसकी धुलाई करेंगे। ये गोश्त है, उसके बाद इधर जो है ना देखें, टमाटर प्याज आलू सब्ज मिर्च वगैरह रखी हुई है, अभी काटी नहीं है। इधर भाभी क्या है, ये थूम, लहसुन है। इधर लहसुन की जो है ना रखाई कर रही हैं भाभी। तो आज बिरयानी बनाते हैं। ओए भाभी, आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत से ठीक है? हाँ तबीयत से ठीक है। आज मैं बहुत फ्रेश हुई हूँ, अच्छा रोजा की माशाल्लाह। तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, सुबह भाभी ने रोज़ा रखना है, तो भाभी कहती है कि आज मैं फ्रेश हूँ। तो चलो अल्लाह पाक आपको फ्रेश ही रखे, और रोज़ा आप सुबह रखें। अम्मी इधर घी जो है ना निकाल रही हैं डब्बे में। चलो ठीक है, आप स्टार्ट करें बिरयानी बनाना। बस देखें, अब जो है ना बिरयानी बनाने की तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है। देखें इधर जो है ना गोश्त है, प्याज है, टमाटर मिर्चें, बिरयानी मसाला, आलू, थूम, सारा सामान रखा हुआ है। और घी इधर जो है ना तरह करा है, इसके अंदर प्याज डाल देते हैं अभी। तो बस देखें, प्याज हमारे ब्राउन हो चुकी हैं, तो अब इसके अंदर टमाटर मिर्चे डालते हैं, मिक्स करें, और साथ ही में आलू भी डाल देते हैं। अभी इसको जो है ना तड़का लगेगा, तो थूम थूम भी डालें, बिरयानी मसाला भी डाल देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 10-15 मिनट बाकी हैं रोज़ा खुलने में से। मुझे लगता है कि हमारी बिरयानी तैयार नहीं होगी। इसको खोलना, तो बाद में खोलूंगी, पहले आप लाल मिर्चे मसाले हल्दी वगैरह डालें। तो आप बताएं मिर्चे कम से इसको तो कम कितने, तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा तैयार होने में, है ना? आप बताएं मिर्चे कम से कम कितने, नहीं नॉर्मल जो होती हैं वो डालें आप मिर्चे। तो अभी बस देखिए, बाकी सारे मसाले डाल दिए हैं, तो ये बिरयानी मसाला भी डाल रहा हूँ मैं। चले भाभी मिक्स करें अच्छी तरह। के नीचे डाल देते हैं, गोश्त डालूं? नहीं, गोश्त गोश्त भी साथ में जो है ना टक्का लग जाएगा ना। हाँ, लग जाएगा, पहले इनको मसाले को तैयार करने देना। चलो ठीक है, आपकी मर्जी, मुझे, मैं तो कह रहा हूँ कि टाइम बचाएं हम। तो अभी बस अब जो है ना तरक चुके हैं आलू प्याज सारे मसाले तरक चुके हैं, अभी गोश्त डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी गोश्त भी डाल दिया है, तो देखें मिक्स कर रहे हैं। अब ये अच्छी तरह फ्राई होगा, उसके बाद पानी डालेंगे, फिर जब उबाले आएंगे तो चावल भी डाल देंगे। बस अभी तक हमारी बिरयानी नहीं बनी, दादाजी भी आ गए हैं, रोज़ा अफ्तार होने का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दादाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो सर्दी नहीं लगी हुई? आज थोड़ी। अच्छा, तो अभी बस देखें, हमारे पास अफ्तारी के लिए पकौड़े, स्ट्रॉबेरी खजूर, बस इतना कुछ है। अभी जो है ना बिरयानी तैयार नहीं हुई, तो वो बाद में, मुझे लगता है कि नमाज के बाद ही हम खाएंगे, क्योंकि आधा घंटा तो पक्का लगेगा उसको बनने में।
अल्हम्दुलिल्लाह रोजा खोल लिया है अल्लाह पाक का करम है। देखे भाभी पकौड़े भी खा रही है और चावल भी बना रही है माशाल्लाह। फेवरेट है ना। हाँ भाभी को भी शौक है। अभी पानी डाल दिया है तो अभी नमाज का टाइम है। ठीक है भाभी आप बनाए तैयार करें फिर मैं आके दिखाता हूँ नमाज पढ़ के आके। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ ली है तो अब मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है तो हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, दम दिया हुआ है तो अभी सहरी के लिए जो है ना सालन तैयार कर रहे हैं। तो अम्मी चटनी बना रही हैं। अच्छा तो क्योंकि अभी तो हम चावल खाएंगे लेकिन सहरी के टाइम तो रोटी लाजमी होती है ना। ये देखिए सहरी के लिए सालन बना रही है। भाभी भी कल रोज़ा रखेंगी तो भाभी भी सालन लेकर जाएंगी। तो अभी हम दम खोलते हैं तो इरफाना बाजी के लिए ख़त्म भी बनना है। तो देखें माशाल्लाह कैसे हुल्ले आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चावलों की। मिक्स करते हैं तो अभी मैंने चावल मिक्स कर लिए हैं अभी बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के चावल लग रहे हैं। धुआँ बहुत ज़्यादा है। अभी जब रायता तैयार हो जाएगा ना फिर मज़े के बनेंगे चावल और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। इंशाल्लाह किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।